Very good morning to all of you guys and welcome to all aboard. I hope I'm audible and visible to all of you clearly. कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? काफी दिनों बाद MCQ सेशन करने जा रहे हैं. टॉपिक नवंबर का पार्ट वन होगा. पार्ट वन एंड पार्ट टू में दिस वीक व्हाट वी आर डूइंग इज विल कवर MCQs. ओके, नवंबर मंथ. एंड नेक्स्ट वीक विल डू लाइव प्रैक्टिस सेशन बेस्ड ऑन नवंबर. तो कोशिश करूंगा नवंबर आपका अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूं. फॉर नाउ एंड बिफोर द एग्जाम डेफिनेटली विल बी डूइंग 300, टॉप 300. तो उसमें मोस्टली जो फोकस होगा वो आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होगा. जब हम टॉप 300 की बात करेंगे, सो द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम आउट ऑफ 300 अप्रोक्सीमेटली 250 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मंथ, क्योंकि वही सबसे ज्यादा होगा जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं. रवि बढ़िया हूं. मैं बढ़िया हूं भाई, आप लोग कैसे हो? जो लोग काफी दिनों बाद मिल रहे हो, सो गुड मॉर्निंग गाइस. टीएनए भी रेगुलर स्टार्ट हो गया है, सो यू कैन ज्वाइन मी लाइव इन टीएनए मंडे टू सैटरडे 8 AM लाइव. तो 8 बजे सुबह हमारा शो जो था वो अब बिल्कुल रेगुलर है विदाउट एनी गैप्स. हाँ, कभी कोई टेक्निकल इश्यू के कारण इन केस होता भी है, सो नाउ आई विल बी डूइंग इट सेम डे. उसी दिन हम उसको करेंगे दोबारा से. ऐसा नहीं होगा कि नहीं हुआ है तो उसको हम स्किप कर देंगे. विल बी डूइंग इट सेम डे, वो मैं इन्फॉर्म करूंगा कभी ऐसा इन केस होता है. तो आई एम नॉट सेइंग दैट देर एनी प्लान. चलिए चलते हैं सेशन पे. तो आज के सेशन की मैंने बात की, नवंबर पार्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट वन एमसीक्यूज. पार्ट वन के हमारे एमसीक्यूज होंगे नवंबर के. एंड या नमन का पहला सेशन है. हाय नमन, हाउ आर यू? सेशन अटेंड करने के बाद बताइएगा कैसा था, हाउ आर द लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड द सेशन विल बी हेल्पिंग यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम और नॉट. बिल्कुल क्लियर फीडबैक कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से करिएगा एंड ऑफ द सेशन, कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था. दीज आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम और नॉट, करेगा हेल्प कि नहीं करेगा. चलते हैं सर. आगे चलने से पहले आपको बता देता हूं, लाइक टुडे वी आर डूइंग एट 11 AM राइट नाउ वी आर डूइंग टॉप 70 MCQs ऑफ फर्स्ट टू 15th ऑफ नवंबर. सिंपली यू कैन रिमेंबर पार्ट वन एट प्रेजेंट वी आर डूइंग. अभी हम कर रहे हैं पार्ट वन, ठीक है. पार्ट टू आपका होगा कल. सो पार्ट टू will be tomorrow at the same timing. If you feel that after today's session the session was good, then only attend tomorrow's session. कल का session, because your time is very very precious, very important. Very clearly you should know that if you are giving time to somewhere, it should be utilized properly. एक important information before moving towards the topic, क्योंकि once I'll be moving on the topic, I'll not discuss all these things. तो इसीलिए पहले ही finish कर लेता हूँ. SBI PO means crash course has been started by all aboard. English medium, Hindi medium batches are separate. 50 plus live classes, 20 plus LPS is there. You can use the code ADITYA Aditya for flat 45% off in this batch and other batches as well. अगर आपको 45 to 50% का ऑफ चाहिए, you can use the code Aditya. Starting with the question number one. पहला question आपके सामने. इंडिया एंड विच कंट्री हैव ज्वाइंटली लॉन्च्ड ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ड्यूरिंग द वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26 ऑन 2 नवंबर 2021. 2 नवंबर को COP26 के लीडर समिट के दौरान भारत ने किस देश के साथ मिलकर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लॉन्च किया है? सर आंसर आ गया है आप लोगों का, यूनाइटेड किंगडम. वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरी वन आंसर यूनाइटेड किंगडम. बिल्कुल परफेक्ट आंसर है. सो दिस इनिशिएटिव इज बैक्ड बाय मोर देन 80 मेंबर स्टेट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. 80 से ज्यादा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो सदस्य हैं उन्होंने इस इनिशिएटिव को पास किया है, अप्रूव किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द COP26 समिट प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड 5 अमृत तत्व और 5 कमिटमेंट्स. कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट. इसके बारे में सही स्टेटमेंट बताएं. पॉइंट नंबर वन इज इंक्रीज इन द नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ द कंट्री टू 500 GW बाय द ईयर 2030. मतलब कि भारत का नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी कैपेसिटी है वो 500 GW तक कर दिया जाएगा 2030 तक. सेकेंड पॉइंट है, मीटिंग 50% ऑफ कंट्री एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी बाय द ईयर 2030. पॉइंट थर्ड है, इंडिया वुड बिकम कार्बन न्यूट्रल, अचीव जीरो नेट कार्बन इमिशन बाय द ईयर 2050. ये पॉइंट हो गए आपके पास.
एक देखिए आंसर आ गए 2070 होना चाहिए सर। आपसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट बताएं, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड में इश्यू है, इट इज नॉट 2050, इट इज 2070। ये 2050 की जगह क्या होना चाहिए, 2070 होना चाहिए, 2070 होना चाहिए। अभी पूरे पॉइंट्स में पांचों पॉइंट्स आपके साथ बता दूं। नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट 2030, 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्री बाय द रिन्यूएबल एनर्जी बाय द ईयर 2030, 1 बिलियन रिडक्शन, 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन इमिशन बाय द ईयर 2030, ब्रिंग डाउन द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% बाय द ईयर 2030, और लास्ट में जीरो नेट कार्बन इमिशन 2070। तो ये टारगेट्स वहां पर रखे गए थे। COP26 की बात करें, डेविड अटनबोरो सर वॉज नेम्ड एज द पीपल एडवोकेट ऑफ यूएन क्लाइमेट COP26 दैट वॉज हेल्ड इन ग्लासगो इन नवंबर 2021। इंडियन ओरिजिन मिस्टर आलोक शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ COP26। तो COP26 के प्रेसिडेंट का नाम अगर एग्जाम में पूछता है तो आंसर होगा आलोक शर्मा जी, भारतीय हैं इसीलिए नाम काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। आगे मूव कर रहा हूं, नेक्स्ट वन, विच कंट्री बिकेम 101st मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101st सदस्य कौन सा बना है, कई जगह पर 124 लिखा हुआ है, एक्चुअली दैट 124 मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, दोज आर अप्रूव्ड, दोज हैव अप्रूव्ड, जिन्होंने अप्रूव कर रखा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। तो 101st मेंबर अभी आपका बन गया है USA, United States of America. This is the only source which we have that how many members are there in the International Solar Alliance. According to the recent current affairs, there are 101 member and the recent member is United States of America. Gurugram is the headquarter, 124 members of United Nations approved this organization. 30th of November 2015 को start हुआ था, Mr. Ajay Mathur इसके Director General है, Director General is Ajay Mathur sir. ईरान 9th मेंबर है SCO का, बिल्कुल करेक्ट है। एनडीबी के भी मेंबर्स बता दीजिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी रिसेंटली 3 नए मेंबर्स इंक्लूड हुए हैं, विच आर द 3, चंदन राज ने ऑलरेडी लिख दिया, बांग्लादेश यूएई एंड एक और मेंबर है बांग्लादेश यूएई के साथ एक और मेंबर है, गूगल, अच्छा मेरे को लगा गूगल कर रहे हैं, वन मोर मेंबर इन, हाँ उरुग्वे, वेरी गुड, बांग्लादेश यूएई एंड उरुग्वे आर द मेंबर्स ऑफ न्यू मेंबर्स ऑफ एनडीबी। सिडबी हैज कोलैबोरेटेड विथ विच कंपनी ऑन 18th नवंबर टू लॉन्च 15 मिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम टू द माइक्रो एंटरप्राइजेस। करेक्ट आंसर है गूगल, गूगल ने कोलैबोरेट किया है सिडबी के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक के साथ। टोटल कॉर्पस 15 मिलियन है, दैट इज 110 करोड़ रुपी। सो माइक्रो एंटरप्राइजेस आर गोइंग टू गेट द लोन, याद रखना किनको मिलेगा, पूरा एमएसएमईज के लिए नहीं है, ओनली फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस आर द एंटरप्राइजेस विद द टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपी, जिनका 5 करोड़ रुपी तक का टर्नओवर होता है, दे आर द माइक्रो एंटरप्राइजेस। लोन साइज रेंजिंग बिटवीन 25 लाख टू 1 करोड़ रुपी विल बी प्रोवाइडेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, सिडबी। सिडबी हेडक्वार्टर इज लखनऊ, हेडक्वार्टर कहां पर है सर, लखनऊ में इनका हेडक्वार्टर है, और अभी करंट में मिस्टर एस रमन इज द चेयरपर्सन ऑफ सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू सपोर्ट दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन दैट इज DNLRM प्रोग्राम को हाल ही में किस कंपनी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के सपोर्ट से स्टार्ट किया गया है, फ्लिपकार्ट, काफी लोगों का आंसर आ रहा है फ्लिपकार्ट, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट ने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ। दूसरा अपडेट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना, रिसेंटली आरबीआई इंक्रीज द लोन लिमिट ऑफ इट, आरबीआई ने इनका लोन का लिमिट जो है उसको इंक्रीज कर दिया है। प्रीवियसली दिस लिमिट वॉज 10 लाख रुपी, पहले इनका जो कोलेट्रल फ्री लोन लिमिट था दैट वॉज 10 लाख रुपी, नाउ दिस कोलेट्रल फ्री लोन लिमिट इंक्रीज टू 20 लाख, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है सर, 20 लाख रुपए कर दिया गया है बढ़ाकर।
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफर्ट टू रिड्यूस द फ्रॉड एक्टिविटीज। तो फ्रॉड एक्टिविटीज को जो आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर या आईआरसीटीसी पे कॉल के थ्रू जो फ्रॉड एक्टिविटीज हो रही थी उनको रोक कर कम करने के लिए जो आईआरसीटीसी है उन्होंने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया, पार्टनरशिप किया है। किसके साथ किया है? तो ट्रू कॉलर के साथ किया है। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डेटा। तो ट्रू कॉलर के साथ इन्होंने भी रिसेंटली पार्टनरशिप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉस डेनियल ऑर्टेगा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो जॉस डेनियल को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है या नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है निकारगुआ। निकारगुआ कैपिटल इज मानागुआ एंड कॉर्डोबा इज द करेंसी। कॉर्डोबा इनका करेंसी है, मानागुआ इनका कैपिटल है। स्टैटिक जीके के फॉर्म में भी एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर नॉर्मली कैपिटल करेंसी के फॉर्म के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है, बट करंट भी याद रखना है, स्टैटिक भी याद रखना है। Who has been appointed as the new Secretary General of Rajya Sabha? Rajya Sabha के नए महासचिव का नाम बताएं। जगदीश पवाड़िया, प्रमोद चंद्र मुड़ी, that is PC मुड़ी, after that JB महापात्रा, अनु जे सिंह एंड अनुजा सारंगी। किसको अपॉइंट किया? PC मुड़ी सर। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है PC मुड़ी सर। PC मुड़ी सर has been appointed as the new Secretary General of Rajya Sabha. Rajya Sabha के नए Secretary General appoint हुए हैं PC मुड़ी सर। Now second thing is PC मुड़ी सर was the chairperson of CBDT. याद है आपको CBDT के chairperson थे। Who is the new chairperson of CBDT? तो CBDT के नए chairperson है आपके पास JB महोपात्रा। Third point, Central Board of इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के भी नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए सर। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम? करेक्ट आंसर है विवेक जौहरी सर। अच्छा, विवेक जौहरी सर के साथ कंफ्यूजन हो जाता है विवेक राम चौधरी सर। सो विवेक राम चौधरी सर कहां पर अपॉइंट हुए हैं सर? विवेक राम चौधरी सर अपॉइंटेड एज 27th, हिंट दे रहा हूं, 27th चीफ ऑफ एयर स्टाफ। 27th चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट हुए विवेक राम चौधरी सर। ठीक है, मैंने इस तरफ में लिख दिया शायद कैमरे के पीछे एयर स्टाफ, याद रखिएगा एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी सर। वाइस एयर चीफ मार्शल अपॉइंट हुए हैं संदीप सिंह सर। तो वाइस एयर चीफ है संदीप सिंह सर, विवेक राम चौधरी सर एयर चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑन द डेप्यूटेशन टिल 31st of August 2024 और फर्दर ऑर्डर? इनमें से किसको अपॉइंट किया गया? डायरेक्टर जनरल एनसीबी का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया? एसएन प्रधान सर को अपॉइंट किया गया है। अच्छा, एसएन प्रधान सर वाज आल्सो इन चार्ज ऑफ एनडीआरएफ, इनके पास एनडीआरएफ का भी चार्ज था, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। बट एनडीआरएफ के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हो गए अतुल करवल सर अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनडीआरएफ। अपॉइंटमेंट है काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन नवंबर 14 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमुगलेटेड, कई बार प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं एक्चुअली, इश्यूज और इंट्रोड्यूस द ऑर्डिनेंस, टू न्यू ऑर्डिनेंस, दो नए ऑर्डिनेंस इश्यू किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर एक्सटेंडिंग द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ Which of the following organization? निम्नलिखित में से किन संस्थानों के, किन डिफेंस फोर्सेस के टेन्योर या टर्म को या अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने के लिए, एक्सटेंडिंग फ्रॉम टू ईयर्स टू फाइव ईयर्स, एन ऑर्डिनेंस हैज बीन, टू ऑर्डिनेंस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो विच आर दैट टू ऑर्गेनाइजेशन? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, दैट इज ईडी इन शॉर्ट, एंड सेकेंड इज सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो सीबीआई एंड ईडी, these are the two organizations. In these two organizations, the tenure has been increased from 2 years to 5 years. दो साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 साल कर दिया गया है। अच्छा, मनोज मुकुंद निर्वाणे सर जो है आपके एयर चीफ है। नेवल चीफ करमवीर सिंह सर हैज बीन रिटायर्ड। आई वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ न्यू नेवल चीफ।
कौन अभी रिसेंटली नए नेवी चीफ अपॉइंट हुए हैं? एयर चीफ हैं विवेक राम चौधरी सर, 27th एयर चीफ अभी अपॉइंट हुए हैं, अरविंद सिंह आईबी, पंकज कुमार सिंह बीएसएफ, कुलदीप सिंह सीआरपीएफ एंड एनआईए, संजय अरोरा आईटीबीपी, रिसेंट अपॉइंटमेंट है, संजय अरोरा जी का भी इंपॉर्टेंट है, आर एन हरि कुमार बिल्कुल करेक्ट है, अभी अपॉइंट हुए आर एन हरि कुमार, हरि कुमार सर अपॉइंटेड एज द न्यू एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी। एम ए गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, अतुल करवल एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रिसेंट अपॉइंटमेंट है, संजय कुमार सर गॉट द एक्सटेंशन फॉर अनादर वन ईयर, एक साल का एक्सटेंशन मिल गया इनको आफ्टर द ऑर्डिनेंस, अभी मैंने जस्ट आपको ऑर्डिनेंस के बारे में बताया, आफ्टर द ऑर्डिनेंस ही गॉट द एक्सटेंशन फॉर अनादर वन ईयर। सुमंत गोयल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, नाशिर कमल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, शील वर्धन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है सीआईएसएफ रिसेंट अपॉइंटमेंट, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई, राजीव चौधरी बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आर्मी इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह बहुत लंबे समय से हैं, काफी लंबे समय से हैं। आफ्टर दैट संदीप सिंह सर रिसेंटली अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो ये सारे आपके पास अपॉइंटमेंट रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक हैव साइंड लोन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ रुपी फॉर द स्टेट ऑफ मेघालय ऑन अक्टूबर 28, 2021। मेघालय के लिए हाल ही में विश्व बैंक ने और भारत सरकार ने कितने रुपए की लोन राशि पर हस्ताक्षर किए हैं हेल्थ प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए? 40 मिलियन, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है $40 मिलियन। आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द लोन्स इश्यूज बाय वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एआईआईबी एंड एनडीबी वेरी रिसेंटली इन द टीएनए, आपको टीएनए में मिल जाएंगे सारे के सारे। टीएनए विल बी लाइव 8 AM डेली मंडे टू सैटरडे, आप इसको लाइव अटेंड कर सकते हैं 8 बजे सुबह ऑलिव बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव साइंड The loan agreement of 61 million, that is approximately 454 crore rupee, for the fund development project in which of the following state? निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए 61 million dollar का loan agreement जो है recently sign किया World Bank ने, और World Bank ने, तो correct answer त्रिपुरा, very good, त्रिपुरा, मिजोरम नहीं है बेटा, मिजोरम अच्छा 32 है, ठीक है, तो त्रिपुरा के लिए करेक्ट आंसर यहां पर आपका बन रहा है त्रिपुरा। तिकोई कोनिशी कंट्री हेड है एडीबी के, मसाद सागू असा का वह प्रेसिडेंट है, अशोक लवासा सर वाइस प्रेसिडेंट है, मनीला फिलीपींस हेडक्वार्टर है एडीबी। विच स्टेट विच यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड श्रमिक मित्रा स्कीम फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, श्रमिक मित्रा योजना की शुरुआत निर्माण श्रमिकों के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है? करेक्ट आंसर यहां पर है आपका दिल्ली। सो दिल्ली ने स्टार्ट किया है इसको। दिल्ली गवर्नमेंट आल्सो इंक्रीज द डियरनेस अलाउंस ऑफ अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स टू इंक्रीज देयर सैलरी बाय अप्रोक्सीमेटली 1%, 1% के आसपास उनका सैलरी यहां पर बढ़ जाएगा। Which city has selected to join UNESCO 2021 Creative City Network for the vibrant culture ethos? जीवंत सांस्कृतिक लोकाचार 2021 के लिए यूनेस्को द्वारा रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में किस शहर को शामिल किया गया है भारत से? तो करेक्ट आंसर है सर श्रीनगर, शिमला नहीं है, करेक्ट आंसर है आपके पास श्रीनगर, श्रीनगर। विच स्टेट हैज साइंड MOU विद द वर्ल्ड बैंक फॉर 770 करोड़ रुपी टू प्रमोट द रिवर ट्रांसपोर्टेशन इन द स्टेट? राज्य के अंदर नदी पर परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा 770 करोड़ रुपए की राशि पर हस्ताक्षर किए गए हैं विश्व बैंक के साथ में? तो करेक्ट आंसर है आसाम, आसाम, आसाम गवर्नमेंट ने रिसेंटली साइन किया है MOU and the amount will be returned by government of India, 80% amount government of India return करेंगे and state government has to return 20%, 20% पैसा जो है वो राज्य सरकार को देना होगा।
Which company has collaborated with the Liberty General Insurance Limited to provide the motor insurance service digitally? तो करेक्ट आंसर है आपके पास फोन पे. फोन पे ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ फोन पे ने. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड विद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फॉर द लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो लोकल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड के साथ किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया? करेक्ट आंसर है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक. अच्छा, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन फैसिलिटी लॉन्च किया. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फैसिलिटी? एक लोन इनिशिएटिव स्टार्ट किया ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इनिशिएटिव? उस इनिशिएटिव का नाम बताइएगा, याद होगा तो. ESAF गो ग्रीन, बहुत बढ़िया. किसका आया पहला आंसर? आया सुदर्शन यादव जी का. बहुत बढ़िया, सुदर्शन यादव जी का पहला आंसर आया. ऑलमोस्ट सबके आंसर आ गए, वेरी गुड. Which state cabinet approved the creation of Eastern Western Khasi Hill as the 12th district? ये भी याद रखना कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट है. तो 12th नंबर का डिस्ट्रिक्ट, 12th नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, वो किस जिले, किस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट बना है? तो करेक्ट आंसर है मेघालय. मेघालय का 12th डिस्ट्रिक्ट आपका. मेघालय कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ अपग्रेडिंग सिविल सब डिविजन. वो बाकी चीजें ठीक है, हमको याद रखने का काम क्या है? ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल बिकेम द 12th डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय. गवर्नर ऑफ मेघालय है सत्यपाल मलिक सर. कोर्नाड के संगमा सर चीफ मिनिस्टर हैं. कोर्नाड के संगमा सर वाज आल्सो द चेयरपर्सन ऑफ अ कमेटी फॉर्म्ड बाय GST फॉर द COVID-19 रिलीफ मटेरियल. COVID-19 relief material. This committee recommended the report that the GST should not be more than 5%. Means maximum GST जो इनके ऊपर applicable होना चाहिए 5%. GST से याद आया, what is the GST collection of November 2021? November 2021 का GST collection कितना रहा सर? Which is the second highest GST collection as on date. अभी तक का सबसे ज्यादा दूसरे नंबर का GST collection रहा है after the April. April का था 1.41 लाख करोड़. अभी का आपका आया है 1.41 लाख करोड़. अभी का आपका नवंबर का आया है 1.31 लाख करोड़. याद रखेंगे 1.30 नहीं है, 1.31 लाख करोड़ है. 1.31 लाख करोड़ नवंबर का जीएसटी कलेक्शन रहा है आपका. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल चेंज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ऑफ परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज बाय जर्मन वॉच. जर्मन वॉच के द्वारा जारी की गई लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है? करेक्ट आंसर है 10th. यहां पर पूछा गया कि विच कंट्री इज द फोर्थ, इज ऑक्यूपाइड फोर्थ प्लेस एंड द हाइएस्ट रैंक इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. इट मींस देयर इज नो कंट्री इन दिस इंडेक्स फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड पोजीशन. पहले से तीसरे स्थान को वैकेंट रखा गया है. नो कंट्री हैज बीन क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन. फोर्थ नंबर एंड टॉप पर आया है आपके पास डेनमार्क फॉलोड बाय स्वीडन एंड नॉर्वे. सो डेनमार्क स्वीडन नॉर्वे दे आर ऑन फर्स्ट थ्री कंट्रीज इन द इंडेक्स, इन द इंडेक्स इश्यूज बाय जर्मन वॉच. जर्मन वॉच ने जो इंडेक्स इश्यू किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the brand ambassador of My One One Circle? My One One Circle का brand ambassador recently किसको appoint किया गया? Correct answer है मोहम्मद सिराज. मोहम्मद सिराज has been appointed as the brand ambassador of My One One Circle. And also Saurabh Ganguly, Ajinkya Rehane, VVS Lakshman, they are already the brand ambassador of My One One Circle. Who among the following has become 72nd Grand Master of India? 72वें Grand Master भारत के कौन बने हैं? Who became 72nd Grand Master of India? Correct answer है मित्रबा गोहा has been appointed. मित्रबा गोहा has been appointed 72nd Grand Master of India. 72वें Grand Master इंडिया के कौन अपॉइंट हुए? तो मित्रबा गोहा अपॉइंट हुई हैं. नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन विच क्रेडिट कार्ड इश्यूअर. आरबीआई ने लिफ्ट किया है रिस्ट्रिक्शन हाल ही में डाइनर्स क्लब पे से एंड मास्टर कार्ड. दीज बोथ कंपनीज वर देयर अंडर द रिस्ट्रिक्शन. फ्यू मंथ्स बिफोर मास्टर कार्ड पे से लिफ्ट किया था, अभी डाइनर्स क्लब पे से लिफ्ट किया है.
नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट ग्लोबल हैकेथॉन नेम्ड हरबिंजर 2021। हरबिंजर 2021 हाल ही में लॉन्च किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, पहला ग्लोबल हैकेथॉन था। व्हाट वाज द थीम ऑफ इट? स्मार्टर डिजिटल पेमेंट, अ कॉल फॉर जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, लिटरेसी इन द डिजिटल वर्ल्ड, रीडिंग द पास्ट, राइटिंग द फ्यूचर, एक्सीलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द चैलेंजिंग टाइम। करेक्ट आंसर है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट, दिस वॉज द थीम। अवार्ड मनी वॉज 40 लाख रुपी फॉर द विनर एंड फर्स्ट रनर अप को 20 लाख रुपी का अवार्ड मनी था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस टू इंट्रोड्यूस द इंटरनल ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर द एनबीएफसी, कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। इसके बारे में आपको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज विथ 10 or more branches विल बी इंक्लूडेड अंडर इट। सेकेंड पॉइंट है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज विद द एसेट साइज अबव 50 crore rupees विल बी इंक्लूडेड अंडर इट। थर्ड पॉइंट है, द टाइमलाइन गिवन बाय आरबीआई टू अपॉइंट द ओम्बुड्समैन फॉर एनबीएफसीज इज मैक्सिमम 6 months, 6 महीने का समय दिया एनबीएफसीज को। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया? ऑप्शन नंबर डी लिख रहे हैं लोग, ओनली फर्स्ट। लोग बोल रहे हैं ओनली फर्स्ट। आंसर फर्स्ट वन इज करेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग। फर्स्ट करेक्ट है, 10 or more branches से ऊपर जो एनबीएफसीज हैं दे विल बी इंक्लूडेड। 6 month का टाइम दिया गया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। पॉइंट नंबर सेकेंड में क्या प्रॉब्लम? इट इज नॉट 50,000 crore, इट इज जस्ट 5,000 crore rupees। सो द नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज विद द एसेट साइज ओवर 5,000 crore rupees विल बी इंक्लूडेड अंडर दिस इंटरफेस। ओम्बुड्समैन मीन्स वॉट? क्या हुआ ओम्बुड्समैन सर? ओम्बुड्समैन का मतलब होता है लोकपाल। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस द इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम अंडर विच द एनबीएफसीज विल ऑल्सो इंक्लूडेड। ये इंटरनल ओम्बुड्समैन है, मीन्स बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज टू अपॉइंट देयर इंटरनल ग्रीवेंसेस रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये वो प्रोसेस है इंटरनल ओम्बुड्समैन। नेक्स्ट है PIDF स्कीम, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लॉन्च्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जनवरी 2021 टू सब्सिडाइज डिप्लॉयमेंट ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर PoS इन टायर 3 to tier 6 centers। द टोटल कॉर्पस ऑफ PIDF रीच्ड टू हाउ मच अमाउंट? जो टोटल कॉर्पस है PIDF का सर वो कितना बन गया? तो टोटल कॉर्पस आपका हो गया 614 crore rupees, 614 crore rupees टोटल कॉर्पस पहुंच गया है। बाय द वे इनिशियली इट वॉज अनाउंसड एट 345 crore, आउट ऑफ विच 250 crore rupees वॉज द अमाउंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम आरबीआई की आरबीआई इतना दे देगा, और 95 crore rupees विल बी द अमाउंट विच वॉज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम ऑथराइज कार्ड नेटवर्क एंड कार्ड इशुइंग बैंक। बट उनका अमाउंट ज्यादा आ गया, तो फाइनल अमाउंट इज अप्रोक्सीमेटली 614 crore rupees। विच बैंक हैज लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ मुंह बंद रखो कैंपेन? कौन सा बैंक है जिसने दूसरा एडिशन लॉन्च किया है मुंह बंद रखो कैंपेन, दैट इज शट योर माउथ कैंपेन लॉन्च्ड बाय द बैंक टू रेज द अवेयरनेस रिलेटेड टू द फ्रॉड प्रिवेंशन ड्यूरिंग द इंटरनेशनल फ्रॉड इंटरनेशनल अवेयरनेस वीक। सो करेक्ट आंसर है आपके पास HDFC बैंक। HDFC बैंक ने ऑलरेडी पहले ही लॉन्च किया था मुंह बंद रखो कैंपेन, दैट इज शट योर माउथ कैंपेन, और अभी दूसरा उसका सेकंड वर्जन भी अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज साइंड MOU विद द आर्मी इंश्योरेंस ग्रुप टू ऑफर द रिटेल मॉर्गेज लोन टू द इंडियन आर्मी पर्संस? इनमें से किस बैंक ने अभी हाल ही में रिटेल मॉर्गेज लोन आर्मी पर्संस को प्रोवाइड करने के लिए एक आर्मी इंश्योरेंस ग्रुप के साथ? अच्छा, मॉर्गेज लोन है, इट इज नॉट विदाउट कोलेट्रल। मॉर्गेज मीन्स वॉट? इमूवेबल कोलेट्रल के अगेंस्ट में, इमूवेबल कोलेट्रल के अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड किया जाएगा। करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक, अमिताभ चौधरी CEO हैं, राकेश मखीजा चेयरपर्सन है। 1993 में फॉर्मेशन हुआ था, हेडक्वार्टर कहां पर है एक्सिस बैंक का? मुंबई में। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन JCB प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर इज नॉवल डेली अ सेलिक्यू? एक नॉवल आई थी डेली अ सेलिक्यू, इस नॉवल के लिए JCB प्राइज ऑफ लिटरेचर 2021 का किसको दिया गया सर? मुकुंदन जी, एम मुकुंदन जी, एम मुकुंदन जी।
मुकंदन जी को दिया गया था. द बुक वॉज रिटन इन मलयालम एंड ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय फातिमा ईवी एंड नंदा कुमार की. नंदा कुमार के फातिमा ईवी, इन्होंने इस बुक को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है. अवार्ड मनी वॉज 25 लाख रुपी. जो इसका अवार्ड मनी है जेसीबी प्राइस ऑफ लिटरेचर का, दैट वॉज 25 लाख रुपी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी साइंड एमओयू विद द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टू कोलाबरेट इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, म्यूचुअली एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी फॉर लो कार्बन राउंड द क्लॉक कैपेसिटिव पावर. ओवरऑल इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन के लिए जो है किस कंपनी ने कोलाबरेट किया है, तो करेक्ट आंसर है सर एनटीपीसी ने कोलाबरेट किया है. ठीक, एनटीपीसी ने किसके साथ, इंडियन ऑयल के साथ कोलाबरेट किया है. दूसरा पॉइंट यहां पे नोट करेंगे, इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वॉज स्टार्टेड इन मथुरा उत्तर प्रदेश. स्टार्टेड बाय विच कंपनी, तो इंडियन ऑयल ने स्टार्ट किया था. एनटीपीसी फाउंडेड इन द ईयर 1975, गुरदीप सिंह सर चेयरपर्सन है. IOCL श्रीकांत महादेव वैद्या मुंबई हेडक्वार्टर है. 1959 में कंपनी स्टार्ट हुई थी. बोथ आर महारत्ना कंपनीज. एट प्रेजेंट देयर आर 11 महारत्ना कंपनीज इन इंडिया. कितनी है, 11 महारत्ना कंपनीज है भारत में भी वर्तमान में. एंड PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज द रीसेंट महारत्ना कंपनी स्टार्टेड इन इंडिया. विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड केसरे हिंद एज अ स्टेट बटरफ्लाई. किस राज्य द्वारा केसरे हिंद को राज्य मछली के रूप में सम्मानित किया गया है या नाम दिया गया है. सो स्टेट अरुणाचल प्रदेश. पक्का अरुणाचल प्रदेश, वेरी गुड. सो करेक्ट आंसर है आपके पास अरुणाचल प्रदेश. तीनों पाल्पस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस केसरे हिंद. केसरे हिंद स्टेट बटरफ्लाई. तीनों पाल्पस जो है इसका साइंटिफिक नेम है. पॉसिबल है SBI सीधे क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है काफी टाइम से, तो पॉसिबल है कि वो आपसे साइंटिफिक नाम पूछ ले. विच रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन. रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है वो किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया है. चलिए आंसर आ गया आप लोगों के. मैं थोड़ा सांस लेना चाह रहा था. हबीबगंज स्टेशन इन भोपाल. बहुत बढ़िया, तो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज. रीजन क्या है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, भोपाल सिटी है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल का जो है उसका नाम चेंज किया गया है. अच्छा, इसके बाद एक और आप देख लीजिएगा, इंदौर सिटी में एक रेलवे स्टेशन है आपका पातालपानी रेलवे स्टेशन. इट इज लोकेटेड इन सिटी इंदौर. इंदौर सिटी में लोकेटेड है पातालपानी. इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है तांत्या मामा रेलवे स्टेशन. तो मामा जी है तांत्या मामा, उनके नाम पर इसको जो है रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया. तो दो रेलवे स्टेशन है आपके पास अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश से जिनका नाम क्या हुआ है, चेंज हुआ है. ठीक, नेक्स्ट. पद्म विभूषण अवार्डी बलवंत पुंडारे जी पास्ड अवे रिसेंटली. ही वॉज अ फेमस हिस्टोरिकन. बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ही वॉज अ फेमस हिस्टोरिकन एंड ही वॉज ऑनर्ड विद द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया. पद्म विभूषण से ऑनर किया गया 2019 में. महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2015. तो बड़े अवार्ड ऑलरेडी इनको मिल चुके हैं. पद्म विभूषण 2019 में, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला था 2015 में. Which state government issues Pakke Tiger Reserve 2047 declaration on the climate change? Climate change पर आधारित एक declaration जो है Pakke Tiger Reserve declaration, ये किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में. तो फिर से आपका वही आंसर बन रहा है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर अभी आपकी स्टेट
बटरफ्लाई अनाउंस की गई, तो स्टेट बटरफ्लाई जहां पर अनाउंस की गई है वहीं पर केसरे हिंद, वहीं पर सेम जगह पर पक्के टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन को भी एक्सेप्ट किया गया है। नेक्स्ट वन, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेन पटेल हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम निर्मय गुजरात योजना, व्हाट इज द मोटो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस स्कीम, और ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई सर? सो द रीजन बिहाइंड दिस स्कीम इज टू प्रोटेक्ट द पीपल अबव एज ईयर 30, 30 साल से ऊपर, जो भी आप लोगों में से गुजरात में हो 30 साल से ऊपर हो तो आपको इसकी सुविधा मिलने वाली है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो हैं उनसे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए 30 ईयर से ऊपर के जो लोग हैं उनका हेल्थ चेकअप वगैरह इसके अंतर्गत किया जाएगा सर। अबव 30 जो है, 30 अबव है। प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैज लॉन्च्ड रिटेल डायरेक्ट स्कीम, थ्रू द रिटेल डायरेक्ट स्कीम एन इंडिविजुअल कैन डायरेक्टली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। रिटेल डायरेक्ट स्कीम को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। इन दैट स्कीम इट वॉज सेड दैट इंडिविजुअल्स विल बी एबल टू बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ इट, मतलब कि सरकारी प्रतिभूतियों को हम परचेस कर सकते हैं रिटेल डायरेक्ट के थ्रू। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखो यहां पर ट्रेजरी बिल, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, इसके बाद आता है आपका कैश मैनेजमेंट बिल एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑल दीज कैन बी बॉट विद द हेल्प ऑफ रिटेल डायरेक्ट। इन सबको परचेस किया जा सकता है रिटेल डायरेक्ट की सहायता से, याद रखेंगे रिटेल डायरेक्ट की सहायता से। मैच्योरिटी पीरियड की अगर मैं बात करूं, ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी पीरियड है 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, ये आपका मैच्योरिटी पीरियड हो गया ट्रेजरी बिल का। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड है 8 इयर्स विद द एग्जिट ऑप्शन ऑफ 5 इयर्स, 5 साल के एग्जिट ऑप्शन के साथ। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का मैच्योरिटी पीरियड होता है अप टू 10 इयर्स। कैश मैनेजमेंट बिल का मैच्योरिटी पीरियड है अप टू 90 डेज। और फाइनली जो आपका लास्ट बनता है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, इट्स मैच्योरिटी पीरियड इज फ्रॉम 5 इयर्स टू 40 इयर्स, 5 साल से 40 साल का इनका मैच्योरिटी पीरियड होता है डेटेड सिक्योरिटीज का। पीएम मोदी नवंबर 12 लॉन्चेस इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, कंसीडर द स्टेटमेंट विच आर नॉट रॉन्ग अबाउट इट। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, यही है हमारे पापा क्वेश्चन, पापा जी क्वेश्चन, स्पेशली मेड फॉर एसबीआई पीओ एग्जाम, इनको अलग से बनाया गया है एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन के लिए। न्यू स्कीम इंटीग्रेटेड ऑल 4 ओम्बुड्समैन स्कीम ऑफ आरबीआई, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक विद द डिपॉजिट अबव 500 करोड़ विल बी ब्रॉट अंडर इट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई विल बी द एपिलेट अथॉरिटी ऑफ दिस स्कीम। ये 3 पॉइंट आपके सामने, करेक्ट आंसर है ओनली 3rd इज करेक्ट, 1st इज रॉन्ग, 2nd इज रॉन्ग। व्हाई 1st वन इज रॉन्ग, पहला गलत क्यों, कैम ऑफ करता हूं, थोड़ा सा स्क्रीन पर फोकस करिएगा। 1st वन इज रॉन्ग, द रीजन देयर आर 3 ओम्बुड्समैन स्कीम्स विच आर वर्किंग इन इंडिया, दैट 3 स्कीम्स आर बैंकिंग ओम्बुड्समैन 2006, एनबीएफसी कंपनीज 2018 एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019। ये 3 स्कीम्स आपके पास अभी करेंट में है। All 3 schemes will be included in the integrated ombudsman scheme. Second point में क्या गलत है सर? तो non-cooperative banks which were excluded till now from the ombudsman scheme, now with the asset size above 50 करोड़ रुपी, 50 करोड़ से ऊपर जो भी cooperative bank होगा, primary cooperative bank, that will be included under it. तो उसको इसमें include किया जाएगा। ये 2 important, काफी important data. वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम स्कीम, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, सेम स्कीम के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं। 12 नवंबर 2021 इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम ऑफ आरबीआई वॉज लॉन्च्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट। पॉइंट 1 बोल रहा है ज्यूरिडिक्शन जो है उसका वो हट जाएगा, ज्यूरिडिक्शन ऑफ ईच ऑफिस, टिल नाउ देयर वर 22 बैंकिंग ओम्बुड्समैन अवेलेबल इन इंडिया। सेकेंड बोल रहा है सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस, सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर विल बी मेड इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ है या दिल्ली है, याद रखिएगा चंडीगढ़ में है या दिल्ली में है। थर्ड है द स्कीम फ्रेम्ड बाय सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, 45 ऑफ आरबीआई एंड सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। फिर से लिख देता हूं, सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट,
सेक्शन 45L ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 एंड सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 आर दे करेक्ट? आंसर यस दे करेक्ट. सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव. बिल्कुल सही है सारे पॉइंट, बट डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है गाइस. आगे बढ़ते हैं. तो यहां पर आपके पास डिटेल्स हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे. सिंपली गो एंड सर्च जीए जीनियस ऑन टेलीग्राम. ऑन दिस ग्रुप यू विल बी एबल टू फाइंड माय पीडीएफ्स. Which bank signed co-lending agreement with Aadhar Housing Finance to provide convenient home finance solution or home loan to the customers from economically weaker section, lower middle group, lower income middle group? Correct answer is UCO Bank, headquarter Kolkata, West Bengal. Mr. Atul Kumar Goyal is ke MD and CEO hain. Screen par wapas aa jaun main. Mr. Atul Kumar Goyal is ke MD and CEO hain. India's first ever बैम्बू मेड क्रिकेट बैट एंड स्टंप हैव बीन लॉन्च्ड बाय बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ विच स्टेट. किस राज्य सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है सर? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड? त्रिपुरा. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. करेक्ट आंसर है त्रिपुरा. गवर्नर है एस एन आर्या. तो इस तरीके का बैट, इस तरीके के स्टंप्स और ये बैट आपके लॉन्च किए गए हैं मेड बाय बैम्बू. बॉल नहीं आया अभी बैम्बू मेड, बॉल आएगा जैसे ही तो आपको इन्फॉर्म करूंगा कि हाँ भाई बैम्बू मेड बॉल भी आ गया है. तो फुल क्रिकेट आप जो है बैम्बू से खेल सकते हो. इंडियाज फर्स्ट फिजिकल नेशनल योगा आसना चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी फ्रॉम 11 to 13 नवंबर. 11 से 13 नवंबर के बीच में, 11 से 13 नवंबर के बीच में भुवनेश्वर उड़ीसा में कंडक्ट किया गया नेशनल योगा आसना चैंपियनशिप एंड इट वॉज द फर्स्ट एडिशन. अच्छा, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंटरनेशनल योगा आसना चैंपियनशिप विल आल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड इन ओडिशा इन 2022 में होने वाला है सर. विश्व का पहला इंटरनेशनल योगा आसना चैंपियनशिप, ठीक है, ये होगा आपका ओडिशा में. Which state has launched the first of its kind road safety initiative called Rakshak to train the respondent of the road accident? ऐसे लोग जो रोड के आसपास काम कर रहे होते हैं, फेरी वाले वगैरह, इनको ट्रेनिंग दे रही है स्टेट गवर्नमेंट. If there is any accident happen in front of you, at least you will be able to provide the initial treatment. कि आप जो initial basic medical facilities होता है ना, basic treatment होता है, initial first aid जो होता है वो provide करें. तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इस इनिशिएटिव को, ठीक है. 30,000 वॉलेंटरीज विल बी ट्रेन्ड अंडर इट. 30,000 लोगों को इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, ट्रेन किया जाने वाला है. नाउ वालंगा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. निम्नलिखित में से किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया वालंगा फेस्टिवल? करेक्ट आंसर है मेघालय. रिमेनिंग लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ मेघालय विल बी इंक्लूडेड इन द पीडीएफ. नेक्स्ट है वर्ल्ड डायबिटीज डे Observed every year on which date? मैंने याद करवाया था. Childrens are very sweet and sweetness, because of sweetness anyone face diabetes problem. तो children sweet होते हैं, Childrens Day कब celebrate किया जाता है? Correct answer 14th of November को. Access to the diabetes care is the theme. Access to the diabetes care जो है वो इसका theme है sir. RBI projected CPI inflation rate for October 2021. October 2021 के लिए RBI ने जो CPI inflation rate है वो कितना बताया है? What is the CPI inflation rate for the October? नहीं, October के लिए 4.48% है. For the complete financial year, sorry, my mistake. Complete financial year it is 5.3%. 2021-22 financial year के लिए it is 5.3%. For the month of October it was 4.8%. अच्छा, 6th to 8th of December 2021 को
आरबीआई का बाय मंथली मीट है सर, आरबीआई का बाय मंथली मीटिंग है। सो मे बी यू विल बी गेटिंग द अपडेट रिलेटेड टू जीडीपी रेट और इन्फ्लेशन रेट और रेपो रेट, ऑल दीज कैन बी अपडेटेड। बी विथ मी, अटेंड टीएनए रेगुलरली, यू विल बी अपडेटेड ऑन द फर्स्ट डे विथ ऑल द इंपॉर्टेंट डेटा, सो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन इन योर एग्जामिनेशन आफ्टर दैट। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर 5 ईयर्स? इंटरनेशनल लॉ कमीशन में 5 वर्षों के लिए, इंटरनेशनल लॉ कमीशन में 5 वर्षों के लिए किसको इलेक्ट किया गया है? करेक्ट आंसर है बिमल पटेल सर। बिमल पटेल सर इज द मेंबर ऑफ 21st लॉ कमीशन। बट रिमेंबर वन पॉइंट, 21st लॉ कमीशन के चेयरपर्सन है जस्टिस बी एस चौहान सर। नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एमओयू विद द यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एनजीओ रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड द टेक्निकल सपोर्ट फॉर द स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। अभी हम बात करें तो महाराष्ट्र है, ओडिशा है, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड तमिलनाडु आर द स्टेट विथ टोटल टैक्स फ्री ऑन बाइंग द ई व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने पर यहां पर जो टैक्स है सर वो नहीं लगेगा, टोटल टैक्स फ्री है। ईयर्स अलग अलग रखे हुए हैं, लाइक तमिलनाडु ने 23 तक रखा हुआ है, उड़ीसा ने 25 तक अनाउंस किया हुआ है। विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू व्हीलर थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर टू ज्वाइन यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट को ज्वाइन करने वाली पहली टू व्हीलर थ्री व्हीलर इंडियन कंपनी का नाम है टीवीएस मोटर्स। हेडक्वार्टर है चेन्नई। के एन राधाकृष्णन सीईओ है। टीवी सुंदरम अयंगर इज द फाउंडर। 1978 में फॉर्मेशन हुआ। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का ले रहा हूं। राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑपरेशनलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन उत्तर प्रदेश, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन विच सिटी? पहला प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्टार्ट किया गया है सर? तो करेक्ट आंसर है आपका लखनऊ। वेयर इट वॉज स्टार्टेड? लखनऊ में इसको स्टार्ट किया गया है, पहला पहला फैसिलिटी है। ठीक, सो आई नो दैट गाइज, यू गाइज हैव एग्जामिनेशन ऑन दिस सैटरडे, आईबीपीएस प्री का एग्जाम है। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज प्रिपेयर फॉर मीन्स एज वेल। दोज हु आर वॉचिंग द सेशन लेटर, इट इज अ रिक्वेस्ट टू दैम एज वेल, प्लीज प्रिपेयर फॉर मीन्स ऑल्सो, अटेंड जी ए क्लासेज, डू नॉट मिस दैम, बिकॉज इफ यू विल नॉट प्रोवाइड 1 to 2 hours पर डे फॉर जी ए, इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल to get your name in the final list. 10 days or 5 days before the examination, if you are thinking that we are going to prepare GA, guys, it is very difficult, very difficult. I don't say impossible, very difficult to score very good marks. And GA will be the subject with the help of which you can get the final selection. If you feel that today's session was good, please, please share the session with your friends. Ask them to join it from tomorrow onwards. Go and write in the comment box. कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से लिखिएगा कि सेशन कैसा था। एनी सजेशन इफ यू हैव फॉर द सेशन, राइट दैट वन ऑल्सो। आई विल बी मीटिंग यू बैक टुमारो मॉर्निंग इन टीएनए इन आर सॉरी आई विल बी मीटिंग यू बैक टुमारो मॉर्निंग इन टीएनए एट 8 o'clock इन आर डेली करंट अफेयर शो। टिल दैट टाइम गाइस, कीप वॉचिंग ऑल ए बोर्ड। जय हिंद।